ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है टाटा की पंच, और इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या मीनवाइल गाड़ी की जो केयर किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब बीच बीच में किस तरीके से आपको जनरल चेकअप खुद ही करना चाहिए टू मेंटेन योर कार। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें गाड़ी में आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें इंजन का जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर रहता है पेट्रोल गाड़ी में 5000 पे हो सकता है, 7000 पे हो सकता है या 10000 पे भी होता है इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी चाहे सर्विस टाइम पर हो रही है नहीं हो रही है, मीनवाइल कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो इस तरीके से आप ये डिपस्टिक है और गाड़ी में आपको इंजन के साथ में इस तरीके से पीला आउटर शेल दिखेगा बिकॉज इट्स अ कंप्लायंट फ्रॉम AREI। तो यहाँ से आप ये इस तरीके से इसका जो है इंजन ऑयल का लेवल आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये लेवल पूरा दिया हुआ है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम का पूरा रेंज है, तो समवेयर अराउंड यहाँ से नीचे मिड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया डिपस्टिक गेज। सबसे पहला इंजन ऑयल आपने चेक कर लिया। इंजन ऑयल चेक करने के बाद ये देखिए ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रेक बूस्टर। तो ये आपका ब्रेक बूस्टर का ऑयल है कि आपके ब्रेक्स का ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो ब्रेकिंग इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट। इसको आप जब खोलेंगे इस तरीके से ये देखिए आपको ऑयल दिख रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम का लेवल दिया जाता है कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। तो आपको ये जो रेंज है उसके मिड में होना चाहिए, दैट्स इट। अब जो टाटा पंच है ये वायर्ड क्लच के साथ आती है, इसलिए इसमें क्लच ऑयल का कंटेनर नहीं दिया हुआ है। जो भी हाई एंड गाड़ी होंगी उसमें जो क्लच है वो कंटेनर के साथ आता है, ऑयल ऑपरेटेड होता है। तो यहाँ पर आपको क्लच का कंटेनर भी मिल जाएगा, तो उसमें आप क्लच का ऑयल भी चेक कर सकते हो कि क्लच में कितना ऑयल है। उसके बाद इसेंशियल चीज़ आती है कूलेंट बॉटल। देखिए किसी में कूलेंट बॉटल यहाँ होगा, किसी में यहाँ हो सकता है, किसी में यहाँ हो सकता है। ये रेडिएटर कैप ये नहीं खोलना है आपको, क्योंकि अगर गाड़ी कुछ भी गर्म रहेगी तो उसमें से जो भी कूलेंट है वो एक तरफ एकदम पॉपअप हो सकता है एंड इट कैन हार्म यू। तो कूलेंट वाला जो बॉटल है इसमें आपको पूरा रेंज दिया है प्लस का माइनस का। इसमें आप कूलेंट का जो लेवल है वो नोटिफाई कर सकते हैं कि प्लस पे है, माइनस में है, कम है कि ज़्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका वाइपर बॉटल का कंटेनर जो नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे आप वाइपर बॉटल में कुछ भी लिक्विड डाल सकते हैं, सो दैट लिक्विड डालेंगे तो वो लिक्विड आपको जब भी विंडशील्ड क्लीन होता है तो प्रॉपरली क्लीन होगा। इसमें शैम्पू कुछ भी थोड़ा सा जो लिक्विड होता है मेनली आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलग से पैड्स भी आते हैं, अलग से लिक्विड भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल वाटर भी चलेगा। तो ये तो हो गए सर मेन कंटेंट। इसके बाद बैटरी, आपकी बैटरी में जो टर्मिनल्स हैं इनमें कॉरिजन नहीं होना चाहिए। अगर कॉरिजन है इसकी जेली आती है, जेली लगा सकते हैं। ये है सिर्फ जनरल चेकअप का कंटेंट जो इनिशियली आप कर सकते हो। ये एयर फिल्टर का कंटेनर है, एयर फिल्टर का आउटर हाउसिंग है। इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो 2018 से पहले आई थी उसमें एयर फिल्टर कंटेनर के सिंपल से लॉक्स होते हैं, वो खोल के आप एयर फिल्टर भी चेक कर सकते हो। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो। सो दिस इज़ इट जस्ट फॉर दी जनरल चेकअप। कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये मीनवाइल बीच बीच में आपको चेक करते रहना चाहिए, सो बीइंग ऑन अ सेफर साइड, ताकि आपको मेजर ब्रेकडाउन का सामना ना करना पड़े। तो बताइएगा आपको किस तरीके से किस किस गाड़ी का आप मेंटेनेंस जनरल चेकअप या कोई भी रिव्यू जानना चाहते हैं। सो आई विल हेल्प यू इन दैट एंड प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वन।